तो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गणतंत्र दिवस के बारे में, क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा टेक्नोलॉजी के बारे में ही सिखाया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में, कुछ लम्हे जो हम अपने पूर्वजों को याद करेंगे और आपको कुछ मोटिवेशन शायद इससे मिल सकती है। तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर मी एंड फॉर माई सब्सक्राइबर। आज भी अंग्रेजी बोलेगा क्या? सही कहा, बिल्कुल सही कहा भाई ने कि हम अपने देश में रहकर अपनी भाषा का ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी हिंदी भाषा को मतलब ऐसा दो कौड़ी की भाषा समझते हैं कि उसे फेंकने की बात करते हैं। कुछ लोग के कह रहा हूँ मैं, हर लोग ऐसा नहीं होता है, वो अपना काम चलाने के लिए हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों का मिक्स करते हैं और हमारे सामने प्रेजेंट। माटी माटी मैं, माटी माटी तू, माटी माटी ही मैं, माटी से सब आया है, सब माटी में मिल जाएगा, कुदरत है पगला कुम्हार जा करते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि हम अपनी भाषा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम दूसरी भाषा को बहुत ही स्टैंडर्ड भाषा समझते हैं, बहुत ही मतलब बड़ी भाषा समझते हैं हमारे कहने में। मतलब एक इंसान अगर दूसरा इंसान कोई है, वो इंडिया का है, वो प्रॉपरली इंग्लिश बोल रहा है, तो उसे देखकर दूसरा इंसान ये सोचता है वह देखो कितना पढ़ा लिखा इंसान है, कितना पढ़ा लिखा इंसान है कि वो आज देखो अंग्रेजी में बात कर रहा है। लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा है कि वो सिर्फ एक भाषा है, एक लिपि है जिसके थ्रू हम वार्तालाप करते हैं, सिर्फ वो आपके देश की और है, दूसरे देश की कोई और है और तीसरे देश की कोई और है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो कभी भी किसी की नॉलेज को उसकी भाषा से कभी कंपेयर मत कीजिए। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश पर नीला धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला ऐसा देश। यही रहेगा मेरी तरफ से, कभी भी किसी की नॉलेज को उसकी लिपि मीन्स भाषा से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। और अधूरा ज्ञान जिसको भी है, तो आप समझते हैं अधूरा ज्ञान क्या होता है। तो मैं आज जो आपको बताऊंगा, तो आप प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाता हूँ प्रॉपरली हिंदी का इस्तेमाल। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं आपको आज कुछ मोटिवेशन दूंगा, कुछ मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं कुछ हूँ भी नहीं, छोटा सा यूट्यूबर, कहाँ गिनती होती है हम लोगों की। तो मैं आपको बताता हूँ भाषा, सबसे पहले भाषा यही होती है कि लोग दूसरे के ज्ञान को देखकर जज कर लेते हैं कि ये बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है। अगर कोई आपका अंग्रेज हमारे देश में आता है और आपके सामने चाहे वो निल हो, कुछ नहीं पढ़ा हो, कुछ भी नहीं पढ़ा हो, स्कूल भी नहीं गया हो, तो अगर आपके सामने अंग्रेजी में बोलेगा तो आप भी कहोगे कि हाँ यार क्या पढ़ा लिखा इंसान है। बट ऐसा नहीं होता है भाई, क्योंकि वो उसकी भाषा है। हमारे यहाँ बच्चे हिंदी सीख जाते हैं, मिक्सिंग करते हैं, लेकिन वो भी सीख जाते हैं। लेकिन हम लोगों को ये आजमा लेना चाहिए कि हमें हिंदी को नहीं छोड़ना चाहिए और हमें हिंदी को हमेशा अपनाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा। दो कौड़ी की भाषा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे तरफ से जो होता है मैं पूरी सपोर्ट करूंगा आपको हिंदी बोलने के लिए, और हिंदी बोलना कोई गुनाह नहीं है, हमारे देश की भाषा है, इतनी अच्छी भाषा है। आप गीता पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, आपका दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन हो उसका जवाब मिलेगा। आप पढ़ के तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल है आपके लिए ओ माई गॉड मूवी है, उसमें देखा है आपने कि कितना अक्षय कुमार उनको फोर्स करते हैं परेश रावल जी को कि हाँ पढ़िए, आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। तो ऐसे अगर आप एक ह्यूमन हैं, दूसरी बात करने वाले हैं, अगर आप एक ह्यूमन हैं, आपको ह्यूमैनिटी मतलब आप एक ह्यूमन हैं और आपको इंसानियत पे गर्व है कि हम इंसान हैं, तो इंसान का क्या है, चार चीज़ें ही चाहिए उसे, रोटी, रहना, पीना, खाना, ये चार पाँच चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये तो भाई जानवर भी करता है। तो इससे आप अपना डिफरेंट क्या है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप इससे डिफरेंट क्या है? तो इससे डिफरेंट करने के लिए हम कहते हैं, इससे हम बिल्कुल अलग इसलिए हैं कि जानवर
सोता है, खाता है, पीता है, और इंसान भी सोता है, खाता है, पीता है। जानवर अपने खाना के लिए, खाने के लिए जो भी उसे खाना पड़ता है तो वो शिकार करता है, और उसे शिकार करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढता है और खाता है, वही इंसान कर रहा है। तो फिर हम जानवर से किस तरह अलग हैं भाई? जानवर से हम इस तरह अलग हैं क्योंकि जानवर हेल्प करता तो है, लेकिन इंसान भी हेल्प कर सकता है। अगर आप ये जाने, हेल्प हेल्प मीन्स मदद, मदद कर सकता है इंसान, बट जानवर हमारी मदद नहीं कर सकता है। मदद करता है, मैं नहीं कह रहा हूँ डॉगी हमारी मदद करता है, जो हमारे पाले हुए जानवर होते हैं वो भी मदद करता है। तो भाई बोर मत होइए, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप जो भी किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं अभी भी, कभी भी नेवर गिव अप के साथ आइए, कभी भी हार मत मानिए। थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी हर कहीं से, मेरी तरफ से और बड़े बड़े चैनल्स की तरफ से और कहीं से, किसी प्रोग्राम्स में जाइए, हर चीज़ को अटेंड कीजिए, कुछ सीखने को मिलता है और कुछ ना कुछ तो आपको नया मिलेगा। और मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है कि, बुरा मत लीजिए इस क्वेश्चन को, गाय का दूध, जो गाय का दूध होता है वो हम क्यों पीते हैं भाई? हमारी माँ का जो दूध होता है वो और कोई बच्चा क्यों नहीं पीता, लेकिन जो गाय होती है उसे बछड़े का दूध क्यों नहीं पिलाया जाता है? इट इज अ फैक्ट, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं क्यों नहीं पिलाया जाता है, गाय का अर्थ क्या है, और गौ माता जैसे कहते हैं गौ माता, तो वो मतलब इंसानों में ऐसा क्या है? हम तो उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं ना, हम तो उनके साथ मतलब ये कर रहे हैं कि भाई उनके बछड़े का दूध था वो ही पूरा पिएगा, फिर हम उन्हें अपने घर में बांध लेते हैं, हम उनसे मेहनत कराते हैं, हम जरूर उन्हें खाना तो देते हैं लेकिन उनसे दूध लेते हैं, पैसों देते हैं, अपना काम कराते हैं, ऐसा क्यों होता है भाई? बताना मुझे कमेंट्स में। और बस यही था वीडियो, पूरी वीडियो बनाने का मोटिव कि गणतंत्र दिवस पर कुछ समझाना था। वो तो सब देते हैं भाषण की अपना अपना, ये लो ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपको सब मिल जाएगा, लेकिन कुछ डिफरेंट करना था मुझे, तो आपको आपके सामने मैंने ये कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको जो करना है वो करिए, मुझे कोई सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, कोई कमेंट्स, कोई वो कुछ नहीं चाहिए, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। और बताना मुझे कमेंट्स में बस कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ भी कर सकते हैं। जय हिंद।